मनियर में महिला के घर में घुसकर इशरत खान ने किया बलात्कार। पति ने देख लिया, आरोपी के परिजन दे रहे धमकी। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनियर में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। महिला अपने घर पर अकेली थी, तभी आरोपी घर पर आया और महिला के साथ बलात्कार करने लगा। जानकारी के अनुसार मनियर की रहने वाली महिला ने बताया कि 4 अगस्त को वह अपने घर पर थी, तभी सुबह 9 बजे आरोपी इशरत खान घर में घुस आया और जबरन बलात्कार किया। इसके बाद उसके पति ने उसे देख लिया और पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के परिजन को फोन कर झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए महिला ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पौरी बस स्टैंड के पीछे क्या घटना हुई थी आपके? घटना ये हुई थी, मैं नहा के कपड़े जब गला रही थी, इतने में इशरत खान आ गया था और मेरे घर पे घुस आया था जबरदस्ती, और मेरे घर पे घुस के मुझसे पानी मांगा तो मैंने मना कर दिया, मैं पानी नहीं दे रही। इतने में उसने मुझे पीछे से पकड़ा, खींचा, मेरे साथ गलत काम किया, और गलत काम करते समय मेरे पति आ गए तो उसको कोतवाली पुलिस बुलाई थी, पुलिस बुला के फिर उसको क्या कहते घर से और उससे थाने में लेके आ गए। नहीं तो आपके साथ जैसे गलत काम किया आप बता रहे हैं, उस समय आस पड़ोस में आप चिल्लाई नहीं करी? अंदर का रूम था, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में पता, मैंने कहा तुम लोग क्यों नहीं बोले, तो मुझे क्या पता आपकी आवाज आ रही थी, पर ये नहीं पता बच्चों पे चिल्ला रही थी, अंदर का रूम था, सुनाई नहीं पड़ता था। तो उस समय कितने कितने तारीख की? 4 तारीख की। कितना समय? 9 बजे का, सुबह का? हाँ, सुबह 9 बजे का। अच्छा, तो ये जो इशरत खान है वो कहाँ पर रहता है? ये रहता है कमलागंज में। कमलागंज? हाँ। कोई पहले से आपके पास? नहीं, मेरे कोई नहीं, उनने गाड़ी चलाई थी आते 2-3 साल पहले, तो ऐसा तो सबका रहता, पर ऐसे किसी ने लिखा किसी घर से घुस के किसी के साथ गलत काम करो, ठीक है ना? आना जाना रहा था उसका? नहीं, मेरा पहले से आना जाना इतना नहीं था, 1-2 बार आया था घर पे, पर कभी कोई मैटर नहीं था, इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की अपनी। हाँ, उस समय उसने अचानक से ऐसे? हाँ, अचानक से आया था मेरे घर पे। फिर उसके बाद जैसे आपके पति को खबर लगी तो क्या पुलिस? खबर नहीं लगी, वो तो रोज 9 बजे आते हैं खाना खाने के लिए, वो तो धोखे से आ गए थे। हाँ, वो आपने रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ, की थी। उन्होंने क्या कहा था? फिर उन्हें धमकी दी है जान से मारने की, पति को उठाने की। 5 तारीख के साथ मेरे साथ घटना घटी, फिर 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को वो आ गए, उन्होंने धमकी दी है कि किसी को उठाओ, महिला को उठाओ, बच्चे को उठाओ, आरोप लगाओ उन पे। जैसा कि आपने बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भी भेज दिया है अभी जेल में, तो अब वो जेल में अब ठीक है, लेकिन अब क्या धमकी दी जा रही है? हाँ, धमकी दी जा रही है। हाँ, सबको धमकी। किस प्रकार की धमकी दी जाती है? जान से मारने की, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग है। अभी धमकी कौन दे रहा है आपको? वो उसका जो जीजा है ना, उसका भाई दे रहा है। क्या नाम? उसका नाम पता है? उसका नाम तो शायद ऐसे ही कुछ नाम है, उसका नाम तो मुझे ऐसे पता नहीं है, मुसलमान लोग हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है, क्या कौन सी जगह के रहने वाले हैं वो जो धमकी दे रहा है, आपको पता है? वो मोना का है। धमकी देने वाला मोना का? हाँ, मोना का है। वो दोस्त के रिश्ते में कुछ लगते हैं? हाँ, उसका कोई है जीजा, पता नहीं है, कोई भी है, कहाँ का भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे पास धमकी रोज आ रही है।